नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड में बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खाली पड़े 84 पदों पर प्रतिनियुक्ति से नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है और दूसरे चरण में 955 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों को भरा जाएगा। इन दोनों ही पदों पर पिछले 2 सालों से भर्ती नहीं हुई है। 2 साल से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी, लेकिन अब इन खाली पदों को भी भरा दिया जाएगा। मौजूदा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश के बाद कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति ब्लॉक स्तर से की जाएगी, जिसमें राज्य परियोजना कार्यालय में चमोली में 10, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जिले में 7 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 पदों पर भर्ती होनी है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में भी 7 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं प्रदेश की राजधानी देहरादून में 5 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।